मैं अज शहीद प्रगट की दूजी बरसी से शामिल हो के अपने वालों अपने परिवार वालों अपनी पार्टी वालों श्रद्धा के फुल भेट करता हूँ, क्योंकि शहीद कौम का वह सरमाया होंगे ने जिन्हों के करके असी देश की आज़ादी जी मिली वह निघ मानते हैं। जे 45 डिग्री राजस्थान के तो 45 डिग्री माइनस शासन रह के साडे देश से साडे सरहदां की राखी करते सानू सुख की नींद का सौन का मौका यहो जवान देंगे ने। मैं अपने वालों अपने परिवार वालों करी फिर इन्होंने शहीदों को प्रणाम करता है, गुरु महाराज के चरणों में अरदास बेनती करता इन्हों अपने चरणों में नमस्कार बख्शी। प्रगट बारे दसो कुछ। प्रगट बारे भी ये मैं रोटी हूँ भी खाव चाह पीव चाह फिर पीनी है, सवेरे पहला पानी पीना है, प्रगट गाड़ी पहला रह के आना है, प्रगट तू पानी पी तेरा वधिया पानी मैं पीवगी, रोटी खानी है पकानी है पहला रोटी पानी है तो गाड़ी खड़नी है, प्रगट रोटी पुत लगे हैं खान पहला तू खा तेरी बची रोटी मैं खावगी, चाह पहला खड़नी है प्रगट तू चाह पी पुत तेरी बड़ी चाह मैं मैनू पुत अपने ते माण वा मेरा पुत देश ली अपनी जिंदगी कृपान, पर मेरा ये गल्ला निकल दिया नहीं मुँह जड़िया मैं कड़न रही हूँ की करा, ना घर चंगा लगता ना बाहर चंगा लगता, बाहर मैं निकलती नहीं मैनू कुछ चंगा ही नहीं लगता, सिर्फ प्रगट लागे आ बिस्तरा भुंजे बछा लेनी हाँ तो उत्थे सारिया दोपहर मैं उत्थे कट्टनी
कभी आखना प्रगट आ जा हूँ लम्मे पै दिए प्रगट हूँ मैं चाह बना लगी हाँ तो तू ठीक कर मैं चाह बना के इतने लिया फिर पीनी है फिर चाह लिया फिर उन्होंने देनी है फिर कि चिर ला के 15-20 मिनट रखनी है फिर चुप के तो मैं प्रगट तू पी ली है हूँ मैं पी ला फिर मैं पीनी इदा करनी है भीर हाँ सवेरे जो मैं सौनी हाँ रात को मैं नहीं है प्रगट मैं भी सौन लगी हाँ वह बिस्तरा लाइनी हाँ बैड वह उठे डाया है चादर रखनी है जैसे आल रजाई भराई रखनी है प्रगट मैं सौन लगी हाँ वो तो तू ही सौ जा हूँ सवेरे जो मैं उठना हूँ वो कमरे चुन आवाज़ देनी है प्रगट मैं उठन लगी हाँ पुत तू ही उठ उठ के मूँह धोला पाठ सुन ला इदा आखना तो फिर मैं जा रसोई जाना अज भी जिंदा तो यादा जी हाँ इस तरह हौसले ना भीर मैं रोटी खानी हाँ वो हौसले ना मैं चाह पीनी हाँ पहला वो गाड़ी रखनी है जाके 15-20 मिनट रोटी भी चाह भी फिर मैं हूँ प्रगट तू खा ली हूँ पुत मैं खा ला फिर मैं खा ली जे मैं कि गई हो मैं रोटी पहला पका के वो रख के वो चाहे वो डैडी दे के चाहे मैं वो आप खा के फिर अह कि जाना उन्ना चेर नहीं जाना। आज शहीद सिपाही प्रगट सिंह का तीसरा बलिदान दिवस उनके गांव दबुर्जी में आयोजित किया गया। सिपाही प्रगट सिंह एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे जिन्होंने आज से 3 साल पहले ग्लेशियर में आए एवलांच में अपने साथी सैनिकों को बचाते हुए अपना बलिदान दे दिया। आज क्षेत्र के लोगों ने नम आंखों से अपने सलाड़े को भावभीनी श्रद्धांजलि जो है अर्पित करी। जब तक ऐसे योद्धा हमारी सीमाओं के प्रहरी हैं कोई भी दुश्मन हमारे देश की एकता व अखंडता को भंग करने की जरूरत नहीं कर सकता। शहीद देश के गौरव हैं। जय गांव दुर्जी की भूमि धन्य है जिसने एक शहीद देश को दिया और इस गांव का नाम इस अमरवीर के बलिदान से पहले कोई नहीं जानता था लेकिन प्रगट ने अपना बलिदान देकर अपने इस गांव का नाम राष्ट्रपति भवन में जो शहीदों की गजट होती है वहां पे दर्ज करवा दिया। मैं शत-शत नमन करता हूं उनके माता पिता को जिन्होंने सस्पूत देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। प्रगट सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। माँ घर पर अपने बेटे की शादी के सपने संजो रही थी, सेहरे की लड़ियां बुन रही थी, लेकिन प्रगट ने वीरगति को दुल्हन के रूप में गले लगाकर अपना सैन्य धर्म निभा दिया। मैं इस माँ को कोटि कोटि नमन करता हूँ जिस माँ ने आज कहा कि इकलौता बेटा खोने का उन्हें दुख तो है लेकिन उन्हें अपने लाड़ले की शहादत पर गर्व भी है। ये शहीदों के परिवार सारे देश के परिवार होते हैं। आओ सभी संकल्प करें कि जहाँ हमने इन शहीदों के बताए पर चिन्हों पर चलना है वहीं इनके परिजनों को उचित मान सम्मान देकर इनके लाड़ों की शहादत की गरिमा को बहाल रखना है। यही इस वीर योद्धा को आज के दिन पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार फिर मैं शहीद के माता पिता को कोटि कोटि नमन करता हूँ, इस गांव की वीर भूमि को नमन करता हूँ जिस भूमि ने ऐसा सपूत देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, इट एंडेवर्स टू फास्टन एंड डेवलप इन चिल्ड्रन the habit to think clearly and independently and the capacity to express themselves effectively. Come with me where dreams are born and time is never planned. The school aims at providing the quality education and strives to meet the challenging needs of providing comprehensive education to develop the various aspects of a child's personality. Our aim is to impart quality education on most modern lines, to provide most congenial environment to all-round development of children and arouse in them the keen thirst of knowledge and learning. Emphasis is also laid on character building, self-discipline and development of creative and social facilities, curricular and co-curricular activities that the children are encouraged to take up. Sports game. The school does not believe in making decision for the child, but teaches the child make his own decision. Yoga, sparkle of life. Greenland Public School, Kandrodi Road, Surajpur, near Damtal, तहसील इंदौरा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ,
नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।